दोस्तों, YouTube पे जितने भी न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इनिशियल स्टेज पे हम हमारे चैनल को ग्रो किस तरह करें। आप कोई से भी फील्ड के लिए आप न्यू चैनल क्रिएट करें, इनिशियल स्टेजेस पे आपके चैनल को ग्रोथ मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टूल के बारे में बात करूँगा जो कि हमें यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए हमारे ही टॉपिक के रिलेटेड ट्रेंडिंग टैग्स जनरेट करके देता है। इसका मतलब ये कि हम जो टैग्स इंसर्ट करते हैं, जो मैन्युअली इंसर्ट करते हैं हम, वो मे बी जो यूट्यूब का यूज़र है वो सर्च ही ना करता हो, मे बी वो उस टॉपिक को लेने के लिए कुछ अलग ही कीवर्ड यूज़ करता हो। तो बेसिकली जो एज अ यूज़र के जो पर्सपेक्टिव से जो कीवर्ड्स है, हम इस टूल की मदद से हम वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम हमारी वीडियोस में वही टैग यूज़ करें जो एक यूट्यूब का यूज़र सर्च करता है यूट्यूब के सर्च इंजन में। तो इस टूल का बेसिकली नाम है रैपिड टैग्स। ये टूल का ये काम होता है कि जो यूट्यूब में सबसे ज़्यादा सर्चेस होती है आपके टॉपिक के रिलेटेड, ये वही आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र में आने के बाद हम यहाँ पे गूगल पे टाइप करेंगे रैपिड टैग्स। ये जो फर्स्ट वेबसाइट शो हो रही है, हम इसे ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद ये इस तरह का वेबसाइट का इंटरफेस आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप कभी भी लॉन्ग टेल कीवर्ड यहाँ पे पुट मत कीजिएगा, वरना आपके जो सर्चेस आएंगे वो इतने वैलिड नहीं होंगे कि आपको उससे फिर व्यूज़ आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता इस टूल को आप यूज़ करेंगे तो आपके वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके चैनल की आपको ग्रोथ आपको खुद ही नज़र आ जाएगी जब आप ये टूल यूज़ करेंगे। बेसिकली इसका फ़ायदा ये कि ये वो टैग्स आपको जनरेट करके देता है जो यूट्यूब पे एक यूज़र सर्च करता है। तो बेसिकली जैसे मेरा चैनल, मैं फाइवर के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ और ब्लॉगिंग के रिलेटेड मेरा चैनल है। तो लेट सपोज मैं एक सिंपल सा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड लिख लेता हूँ, फाइवर गिग्स, और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ। आप देखिए मुझे लॉन्ग टेल प्लस शॉर्ट टेल कीवर्ड्स दोनों एक्सट्रैक्ट करके देगा जो यूट्यूब में सबसे ज़्यादा सर्च होते हैं मेरे टॉपिक के रिलेटेड, आप देख सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई कीवर्ड को आप एडिट करना चाहते तो आप एडिट के बटन पे यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप किसी भी टैग्स को आप एडिट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको आपने अगर मेक श्योर कर लिया कि ये सारे टैग्स परफेक्ट है, आप सिंपली कॉपी के बटन पे जाके आपके यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन पेज होता है आप वहाँ पे टैग्स के ऑप्शन में इसे डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वेट अ मिनट, एक छोटा सा टेस्ट ही कर लेते हैं हम, इसके सर्चेज ही देख लेते हैं कि वाकई ये इसने जो हमें जो ये टैग्स जो एक्सट्रैक्ट करके दिए, क्या वाकई इसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है भी या नहीं, ये टूल काम करता भी है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक और टूल यूज़ करता हूँ। भाई, सर्च वॉल्यूम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत से SEO टूल्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, SEMrush, Ahrefs या फिर स्मॉल SEO टूल्स, आप किसी भी वेबसाइट को यूज़ करते हैं। या मैं जो वेबसाइट यूज़ करने वाला हूँ वो है keywordfinder.io। तो मैं यहाँ पे सिंपली गूगल पे लिख देता हूँ कीवर्ड फाइंडर। कीवर्ड फाइंडर जब मैंने गूगल पे टाइप किया तो ये जो फर्स्ट रिज़ल्ट आ रहा है keywordfinder.io के नाम से, मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं इस पूरी लिस्ट को कॉपी पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके ये जो सर्च इंजन है इस वेबसाइट का, यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करके पेस्ट एंड देन फाइंड कीवर्ड्स। जब तक इसके एनालिटिक्स लोड हो रही है, हम यहाँ पे एक और कीवर्ड यहाँ पे हम जनरेट करते हैं, एक और आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स हम फाइंड आउट करते हैं हमारी फील्ड के रिलेटेड, जिसका रिलेटेड हमारा चैनल है।
तो मैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी। तो एक और हम शॉर्ट टेल कीवर्ड लिख लेते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ पे हम अगेन सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें ये लॉन्ग टेल प्लस शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से देता है। तो देखिए, ये अगेन ये सारे वही कीवर्ड्स हैं जो कि एक यूज़र यूट्यूब पे आपके टॉपिक के रिलेटेड सर्च करता है। तो बेस्ट वे यही है कि आप मैन्युअली टैग्स लिखें, जो कि काफ़ी मरतबा इररिलेवेंट भी साबित हो जाते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप यहाँ से कीवर्ड्स अपने एक्सट्रैक्ट कीजिए और अपनी यूट्यूब के वीडियो में लगाएं। अच्छा, हमने यहाँ पे एक टेस्ट किया था छोटा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने रिसर्च, यहाँ पे इसने एनालिटिक्स शो करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर्च वॉल्यूम है, बेहतर है, और ये एक एक की एक एक टैग का बता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ओवरऑल बता रहा है, ये अपडेट होता रहेगा क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता सारे कीवर्ड्स का दे रहा है, और प्लस ये अपनी सजेशन भी दे रहा है। आप इन इस वेबसाइट की सजेशंस मत लेना, खाली आप इसके सर्च वॉल्यूम देख लीजिए। देखें, 5 गिग, 9,500। तो यही मैं बता रहा था कि आपको जो टैग्स एंटर करने हैं अपनी वीडियो के नीचे, वो आपको रैपिड टैग्स वेबसाइट जो आपको दी है मैंने, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे यूज़ कीजिए। तो ये वो टैग्स जनरेट करके देगी जो एक यूज़र यूट्यूब पे सर्च करता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो आई होगी पसंद। आई है तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय।